नमस्कार। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ, इस बुक का लेखक का नाम सुना होगा, टॉम कॉर्ली। यह बुक काफी फेमस हुई और आज भी इस बुक को लाखों लोग पढ़ते हैं। इस बुक में ऐसा क्या है, लेखक ने ऐसा क्या लिखा जो ये बुक इतनी फेमस हुई और आज पूरे वर्ल्ड में इस बुक को पढ़ा जाता है, बड़े बड़े लोग इस बुक को पढ़ते हैं। तो इस बुक में ऐसी चार चीजें हैं जो 235 सक्सेसफुल बिजनेसमैन विश्व के, उनकी समान आदतें पाई गई चार। टॉम कॉर्ली एक बुक लिखना चाहते थे बड़े 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 लोगों को, जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ पाया, उनके ऊपर एक बुक लिखना चाहते थे। तो वो ऐसे बैठकर बुक नहीं लिखी उन्होंने, यह चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ, उन्होंने 5 साल तक अध्ययन किया बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए, जिन्होंने दुनिया में कुछ विशेष किया, नेशनल मंडेला, महात्मा गांधी, बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी और स्टीव जॉब्स, एलन मास्क, मार्क जुगरबर्ग, इन सब तकरीबन 235 विश्व के सबसे टॉप बिजनेसमैन के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया और एक निष्कर्ष निकाला कि चार समान आदतें सब में पाई गई, इस वजह से आज वो इस लेवल पर पहुंचे। तो वो चार समान आदतें क्या हैं, हम देखेंगे। नंबर 1, नियमित रूप से जल्दी उठना। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो नियमित रूप से जल्दी उठते हैं। वो 5 से 4 के बीच में उठ जाते हैं, सुबह 5 से 4 के बीच में। जब लेखक ने अध्ययन किया बड़े बड़े लोगों के जीवन पर, तो अधिकतर सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो सुबह जल्दी उठिए। आप 7 बजे उठ रहे हो, आप 8 बजे उठ रहे हो, तो आप अपने जीवन के 3 या 4 घंटे तो ऐसे ही खो रहे हो नींद में। सुबह कम से कम 5 से 4 बजे उठना है अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है औरों से, तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। 2, नियमित आपको व्यायाम करना होगा। 235 सक्सेसफुल लोगों का अध्ययन में पाया है कि वो सारे लोग, सक्सेसफुल लोग, नियमित व्यायाम करते थे, नियमित योग करते हैं, नियमित एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने शरीर पर पूरा बराबर ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं? उनको पता है अगर आपकी हेल्थ सही है ना, तो आपके पास सब कुछ है, पैसा, पावर, रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, सब। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, तो आपके पास कोई नहीं है। और जब आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, तो आप अपना टारगेट कैसे अचीव करोगे, आप उस लेवल पे कैसे पहुंचोगे? तो बड़े बड़े लोग जल्दी उठते हैं और व्यायाम कभी मिस नहीं करते हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं। उनको पता है कि हेल्थ इज द बेस्ट, हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है ना तो कुछ नहीं है। 3, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग नियमित रूप से पाठ और पाठन करते हैं, नियमित रूप से पढ़ते रहते हैं और लोगों को भी पढ़ाते रहते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको और एक्स्ट्रा नॉलेज रहता है, वो देश दुनिया से अपडेट रहते हैं, उनको पता है कि क्या नई चीज आ रही है, क्या नई चीज नहीं आ रही है, हमें क्या करना है, कैसे दुनिया कहाँ जा रही है। तो वो देश दुनिया की नॉलेज रखते हैं और रोज शाम को 1 घंटा पढ़ते हैं और लोगों को भी पढ़ाते हैं। उनको पता है कि जितना ज़्यादा नॉलेज हमारे अंदर होगा ना, उतना ही ज़्यादा हम कुछ नया कर पाएंगे, इसीलिए वो बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको भी आगे जाना है, कुछ करना है, तो रोज़ डेली बुक्स पढ़िए, मोटिवेशन की बुक पढ़िए, आप नॉलेज की बुक पढ़िए, आप अपने बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़िए, आप अपने फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़िए। उससे क्या होगा? उससे आपको नॉलेज बढ़ेगा और नॉलेज इज द पावर। जो चीज़ें आपको मालूम होगी वो दूसरों को मालूम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप रोज पढ़ते हो। तो रोज पढ़ते रहना अगर आपको आगे पढ़ना है तो। 4, वक्त जाया करने वाली चीजों से दूर रहना। बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों के रिसर्च के ऊपर लेखक टॉम कॉर्ली ने यही पाया कि वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो चीजें वक्त जाया करती है, टाइम वेस्ट करती है, उनसे वो दूर रहते हैं। उनको पता है
कि हमारा एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन छोटी मोटी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे, दिन के 2-3 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देंगे, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम भी भीड़ में खो जाएंगे, हम भीड़ से अलग हट के कैसे दिखेंगे? हम ऐसे दिखेंगे कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना, उस टाइम को हम बचाते हैं, हम अपने ऊपर लगाते हैं, हम अपने आप को ग्रो करने के लिए लगाते हैं। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन वक्त जाया करने वाली चीज़ों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी एक एक मिनट की इंपॉर्टेंस मालूम है और वो अपना एक एक मिनट कीमती रख, उनको पता है कि हमारा टाइम कहाँ यूटिलाइज करना है और कहाँ से हमें आउटपुट मिल सकता है। तो लेखक टॉम कोडली की बुक चेंज योर हैबिट चेंज योर लाइफ में 235 सक्सेसफुल लोगों की 4 बातें समान पाई गई हैं। नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, नियमित रूप से पाठ और पाठन करना और नियमित रूप से वक्त जाया करने वाली चीज़ों से दूर रहना। अगर ये आदतें आपने भी अपना ली ना, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे और बहुत कुछ कर जाओगे।